एवरीवन, मैं डॉक्टर अल्पना कोकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको आपका 6th पेपर का क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगी। उसमें हमने पर्टर्बेशन थ्योरी स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन जो हमने पिछले इक्वेशन 11 ए बी सी डी 4 निकाली थी, तो इक्वेशन 11 बी से हम देख रहे हैं कि एच जीरो माइनस ई के जीरो साई के डैश प्लस एच डैश माइनस ई के डैश साई के जीरो इज इक्वल टू जीरो। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी यूज एक्सपेंशन थ्योरम। एज पर्टर्बेशन इज वेरी स्मॉल, द डेविएशन फ्रॉम अनपर्टर्ब्ड स्टेट आर स्मॉल, देयरफॉर द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन फंक्शन साई के डैश कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड फंक्शन साई 1 0 साई 2 0 साई के 0 एंड सो ऑन और एंड साई एल 0 फॉर्म ए नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल सेट। हेंस वी राइट साई के डैश इज इक्वल टू सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल साई एल 0। सब्स्टिट्यूटिंग साई के डैश फ्रॉम इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 11 बी वी गेट एच 0 ई के जीरो सिग्मा एल ए एल साई एल जीरो प्लस एच डैश माइनस ई के डैश साई के जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सिग्मा एल ए के एच जीरो साई के साई एल जीरो, सारे कोफिशेंट एक साथ कर लिए हमने, माइनस ई के जीरो सिग्मा एल ए एल साई एल जीरो प्लस एच डैश माइनस ई के डैश साई के जीरो इज इक्वल टू जीरो। यूजिंग एच जीरो साई एल जीरो इज इक्वल टू ई एल जीरो साई एल जीरो वी गेट साई एल ए एल ई एल जीरो साई एल जीरो माइनस ई के जीरो सिग्मा एल ए एल साई एल जीरो प्लस एच डैश माइनस ई के डैश साई के डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर से ए एल के कोफिशियंट्स अलग कर लेते हैं, तो सिग्मा एल ए एल ई एल जीरो माइनस ई के जीरो साई एल जीरो इज इक्वल टू ई के जीरो माइनस एच डैश साई के जीरो। इक्वेशन नंबर 13। मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाई साई एम स्टार एंड इंटीग्रेटिंग ओवर कन्फिग्रेशन स्पेस वी गेट सिग्मा एल को, इस इक्वेशन को हमने ए एल ई एल जीरो माइनस ए के जीरो इंटीग्रेशन साई एम जीरो डैश साई एल जीरो डी टॉप इज इक्वल टू साई एम जीरो स्टार ई के डैश माइनस एच डैश साई के जीरो डी एल। यूजिंग द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिज्म ऑफ साइज वी नो दैट साई एल जीरो स्टार साइज ए जीरो स्टार डी टो इज इक्वल टू डेल्टा आई जे विच इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड विच इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे। वी गेट सिग्मा एल ए एल ई एल जीरो माइनस ई के जीरो डेल्टा एम एल इज इक्वल टू साई एम जीरो स्टार ई के स्टार साई के जीरो डी टी माइनस ई एम जीरो स्टार एच डैश साई के जीरो डी टी। और इस सब इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर से कॉमन ले लिए फंक्शंस, तो ई के डैश साई एम के अलग ले लिए हमने माइनस इंटीग्रेशन साई एम स्टार एच डैश साई के जीरो डेल्टा टो इज इक्वल ये हो जाएगा इसके बराबर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 14। यूजिंग द नोटेशन साई एम स्टार एच डैश साई के स्टार डी टी इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज एम एच डैश के। इवेल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी ई के डैश सेटिंग एम इक्वल टू के इन इक्वेशन 14 वी अज्यूम दैट सिग्मा एल ए एल ई एल जीरो माइनस ई के जीरो साई के एल इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज सिंस फॉर एल इज इक्वल टू के ई एल इज इक्वल ई एल माइनस ई के जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर एल इज नॉट इक्वल टू के डेल्टा के एल इज जीरो ऑलवेज सो वी गेट जीरो इज इक्वल टू ई के डैश माइनस आइगन वैल्यू ले रहे हैं हम हैमिल्टोनियन की, तो के और के इसके आइगन वैल्यूज पे और ई के डैश इज इक्वल टू के एच के इज इक्वल टू सिग्मा साई के जीरो स्टार साई डैश साई के जीरो डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 15। दिस इक्वेशन गिव्स द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी करेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन फॉर ए नॉन जनरेट सिस्टम इन इज जस्ट द इवेल्युएशन वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन ओवर द अनपर्टर्ब्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब हम देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
करेक्शन टू वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए इक्वेशन 14 में भी एक्सप्रेस्ड एज ए एम ई एम जीरो माइनस ई के जीरो इज इक्वल टू ई के जीरो डेल्टा एम के माइनस सिग्मा आइगन वैल्यू ऑफ एम। यह हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू एम और के स्टेट के लिए है। सिंस डेल्टा एम एल इज इक्वल टू जीरो एंड वन फॉर एल इज़ नॉट इक्वल टू एम, एल इज इक्वल टू एम फॉर एम इज़ नॉट इक्वल टू के, इक्वेशन 16 बिकम्स ए एम ई एम जीरो माइनस ई के जीरो इज इक्वल टू माइनस एम एच डैश के। और यहाँ से ए एम की वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे कि जब एम की वैल्यू एल हो तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए एल इज इक्वल टू, सिमिलरली सिर्फ एम को हम एल से रिप्लेस कर देंगे तो एल एच डैश के अपॉन ई के जीरो माइनस ई एल जीरो, इक्वेशन नंबर 17। इफ़ वी रिटेन ओनली फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स देन ई के इज इक्वल टू ई के जीरो प्लस लैम्डा ई के डैश, सिमिलरली साई के इज इक्वल टू साई के जीरो प्लस लैम्डा के डैश, इक्वेशन 17 एंड 18। Keeping in view equation 12 and 17, we get from equation 18b psi k is equal to psi k 0 plus lambda psi dash l l h dash k e k 0 minus e l 0 psi l 0 plus lambda a k psi k 0, equation number 9, where 19 equation mein where prime or dash on summation indicates that the term L is equal to M has been omitted from the summation or it reminds that L is not equal to K. The value of constant AK may be evaluated by requiring that psi K is normalized, that is psi K star psi K dot d tau is equal to 0. Orthogonality condition hoti hai hamari, say this is equation number 20. Substituting psi k from 19 and retaining only first order terms in lambda, we get integration psi k 0 dash psi k 0 star psi k 0 dt plus lambda a k psi k 0 star psi k 0 d tau plus lambda a k star psi k 0 star psi k 0 dt प्लस, इसी तरह फिर लैम्डा की टर्म्स के साथ और भी टर्म्स को लिखते जाएंगे, ये सब वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 1 के बराबर। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लैम्डा ए के प्लस लैम्डा ए के डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज ए के प्लस ए के स्टार इज इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वेशन नंबर 21। दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रियल पार्ट ऑफ ए के इज 0 एंड स्टिल इट लीव्स नो आर्बिट्री चॉइस फॉर द इमेजिनेटिंग पार्ट। लेट as take a k I delta, the wave function psi k can be expressed as psi k is equal to psi k 0 plus lambda I delta lambda I gamma psi k 0 plus lambda L, ये h dash की आइगन वैल्यूज है L और k स्टेट के लिए, अपॉन e k 0 माइनस e l 0 psi l 0। इस इक्वेशन को जब हम रीराइट करेंगे तो इक्वेशन 22 आ जाएगी। द टर्म कंटेनिंग गामा मियरली गिव्स ए फेज शिफ्ट इन द अनपरटर्ब्ड फंक्शन साई के जीरो एंड फॉर नॉर्मलाइजेशन दिस शिफ्ट कैन बी पुट इक्वल टू जीरो, सो द इक्वेशन 22 गिव्स साई के इज इक्वल टू साई के डैश प्लस लैम्डा सिग्मा डैश एल आइगन वैल्यू ऑफ एच डैश एल एंड के ई के जीरो माइनस ई एल जीरो साई एल जीरो। The arbitrary lambda can be put equal to 1 and it may be included in system, that is lambda h dash is equal tending to h dash, then eigenvalue and eigen function of the system up to first order perturbation correction terms can be expressed as ek is equal to ek 0 plus h और इसकी जो स्टेट्स होंगी आइगन स्टेट्स के एन के, सिमिलरली साई के इज इक्वल टू साई के 0 प्लस सिग्मा एल एच डैश एल के स्टेट्स के लिए अपॉन ई के जीरो माइनस ई एल जीरो साई एल जीरो, इक्वेशन 24 ए और बी हमें एनर्जी और वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देंगी। इसके वाले इसके अगले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे।